बहुत बड़ी खुशखबरी का सूचना तो आप लोग तक पहुंच ही गया होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए, क्यों भरा जाए, कितना बड़ा बहाली है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, एग्जाम कब होने वाला है, इस एग्जाम का, ये सब चीज पे हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। समझ समझ गया कि बहाली ज्यादा निकल गया है तो सिलेक्शन बहुत अच्छा से होगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगा और बहुत ईजी प्रोसेस होगा। यानी बिहार में जो कांस्टेबल का बहाली निकला है 21,391 पोस्ट पर निकला है, इतना बहाली कभी नहीं निकला था। इस कारण से ये खास हो गया है और खास इस प्रकार से हुआ है कि बहुत लोगों का ध्यान इस चुका है। ऐसा मत समझिए कि बहाली ज्यादा निकल गया है तो सिलेक्शन बहुत अच्छा से होगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगा और बहुत इजी प्रोसेस होगा, सबका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। लोगों का ध्यान भी तो बढ़ जाता है इस पे। जितने भी लड़की होगी, लड़के होंगे, सब जो है तैयारी करने में जुट जाएंगे अभी से, क्योंकि एग्जाम भी इसका कहा गया है कि एक साल के अंदर में टोटल प्रोसेस को हम खत्म कर देंगे। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप यहां पढ़ भी सकते हैं कि आपका एक साल के अंदर में सारा प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा आपके सीएसबीसी आयोग के द्वारा, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। लेकिन इसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको गुजरना भी तो पड़ेगा। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जारी करना पड़ेगा रिटर्न के लिए, फिर उसके लिए समय लगेगा, फिर फिजिकल में जाएंगे आप लोग, फिर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये सभी प्रोसेस में कहा गया एक साल लेंगे, लेकिन आपका एग्जाम कब होगा? फॉर्म तो ठीक है भरा जाएगा, लेकिन एग्जाम कब होगा? एग्जाम का बात करते हैं तो सबसे पहले तो एग्जाम का ये जो फॉर्म भरा रहा है इसको खत्म होने दीजिए। यानी कि आपका फॉर्म 20 जुलाई तक चलेगा, तो 20 जुलाई के बाद ही आपका एग्जाम होगा। और इस आयोग के द्वारा बोला गया कि एक साल तक में हम सब प्रक्रिया को खत्म करेंगे, तो फॉर्म भराने के बाद ये स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 2.5 से 3 महीना का समय आपको एग्जाम के लिए दिया जाता है फॉर्म भराने के बाद से, यानी कि 20 जुलाई के बाद, ये जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर में लगभग जाकर के आपका एग्जाम होगा। दशहरा होता है ना, तो दशहरा का जो पर्व होता है तो उससे पहले या उसके बाद जस्ट एग्जाम लिया जा सकता है। इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके लिए प्रिपरेशन आपको करना है। तो करीब करीब अभी से 4 महीना का समय आपके पास है। इस 4 महीने में आप अच्छे से किसी भी रिटर्न को निकाल सकते हैं, आप शॉर्टकट तैयारी कर सकते हैं, वो सब चीज आपको हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, बता भी चुके हैं और भी बताएंगे, बहुत सारा बात बताएंगे और लिंक भी देंगे, जो बता दिए उसका लिंक भी देंगे। लेकिन करना क्या होगा ना कि हमसे जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, जो भी हम अपडेट करेंगे वो पहुंच जाएगा। ठीक है, एज क्या मांगा गया? एज को लेकर के थोड़ा सा विरोध भी किया जा रहा है कि कोरोना काल में जो बंद था, सब चीज बंद था, वैकेंसी से लेकर के हर चीज जो बंद था, उसके लिए 2 साल इसको जरूर बढ़ाना चाहिए था। तो साफ हम बताना चाहते हैं कि ये बिहार की वैकेंसी, यहां पे किसी का कुछ भी नहीं सुना जाता है। अगर ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती, मतलब सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, बहुत सारा निकलता है, तो सब में छूट दिया गया, 3-3 साल का छूट दिया गया हर एक कैटेगरी को। लेकिन बिहार में अभी तक जो भी बहाली आई उसमें कोरोना काल का कोई भी जिक्र नहीं किया गया और कोई भी छूट नहीं दिया गया, तो इस वैकेंसी के लिए भी नहीं दिया जाएगा। ये आप मान करके चलिए, कितना भी ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, कितना भी विरोध कर लीजिए, ये बिहार है, ये सुनेगा नहीं, अपना आदत से लाचार हमेशा से रहा है, इस कारण से आपका सुनेगा नहीं। तो ध्यान क्या देना है कि जो आपके सामने है, इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको पूरा करना पड़ेगा। और जो लोग छूट गए वो अगले वैकेंसी का, नेक्स्ट वैकेंसी का तैयारी करिए, यानी कि दरोगा का फॉर्म भरिए, और भी फॉर्म आता है उसका भरिए। इसमें आपका नहीं हो पाएगा इस कारण से, क्योंकि अभी कहां पे फंसता है ये बताते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो कि फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, इस कारण से कि फी बहुत ज्यादा होता है। देखिए कितना फी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, जितने भी कैंडिडेट हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, सबको ₹675 लगने वाला है। यानी कि 675 तो सिर्फ इसका फी हुआ, और प्लस में आप साइबर कैफे में भराएंगे तो ₹50, ₹80, ₹100 भी वो ले लेता है कहीं कहीं, तो लगभग ₹700-800 पड़ जाता है। इस कारण से भी कई सारे लोग फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। अगर वो एलिजिबल होते हैं, मतलब थोड़ा कम भी तैयारी होता है, तो सोचते हैं कि छोड़ो नहीं डालेंगे फॉर्म, फी बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार का वैकेंसी में हमेशा से देखा गया फी को लेकर के तो मतलब धमाल मचा रहता है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा गिरता है, फी ज्यादा लेता है, तो उसको पैसा भी ज्यादा मिलता होगा, यानी कि सरकार के पास पैसा बहुत अच्छे से जमा होता होगा। और ये क्या देता है क्वालिटी एग्जाम में, तो आपको कार्बन पेपर भी नहीं देता है, अच्छा से एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवाता है, जैमर भी नहीं लगवा पाता है, और एग्जाम का मतलब एक स्वच्छ रूप से एग्जाम भी नहीं ले पाता। इतना पैसा तुम लेता किस लिए है ये समझ में नहीं आता है, खुद के लिए लेता है या हम लोग के लिए, मतलब एग्जाम देवाने के लिए लेता है या खुद के लिए वो जमा करता है, ये समझ में नहीं आता। आपका क्या मांगा गया क्वालिफिकेशन, यानी योग्यता क्या मांगा गया इसमें? 12th पास, बस 12th पास होना आपका जरूरी है, 10th पास पे काम नहीं चलेगा। 12th पास अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं, और इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप आराम से इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। 12th पास अगर आप हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी हैं, तो आप इस वैकेंसी को आराम से भर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत। प्रोसेस आपका क्या होगा? रिटर्न एग्जाम होगा, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। यानी कि लिखित परीक्षा किस सिलेबस पर? तो जीके जीएस के सिलेबस पर, मैथ, हिंदी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इस सिलेबस पर आपका जो है रिटर्न सिलेबस लिया जाएगा। और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल क्या होगा? मेडिकल टेस्ट होगा, आपसे मेडिकल टेस्ट देखा जाएगा, काफी इजी होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। कुछ भी अंगुली टेढ़ा है, चाहे पैर आपका कुछ टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, वो सब देखा नहीं जाता है। नॉर्मल सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है नहीं बिहार का, यहाँ पे मेडिकल बहुत ही कम देखा जाता है। आप सिर्फ दौड़ निकाल लीजिएगा, इसका जो क्राइटेरिया फिजिकल का पूरा कर लीजिएगा ना, तो आपका नौकरी हो जाएगा, नहीं मेडिकल आपका क्वालिफाई कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप दौड़ लिए, आप हाई जंप कर लिए, गोला फेंक लिए, तो आप एक तरह से फिट ही हैं, सब थोड़ी कर पाएगा, तो यहाँ पे मेडिकल थोड़ा कम लिया जाता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि जो आप वहाँ पे सूचना दिए हैं कि मेरा नाम ये है, पता ये है, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब सही है कि नहीं, वो सब आपका देखा जाएगा। और फिर आपका नंबर के अनुसार, किसके नंबर, तो फिजिकल के नंबर के अनुसार आपका मेरिट बनाया जाएगा। जितना अच्छा नंबर आप फिजिकल में लाएंगे, उतना अच्छा मेरिट में नाम आपका मिल जाएगा। और आप आइए, हम लोग बढ़ते हैं आगे सिलेबस पर। यहाँ हम लोग जानेंगे कि सिलेबस आपका क्या होगा और इस पे
किस तरह का बुक आपको प्रयोग करना है, कैसे कैसे करना, क्योंकि टॉपर जो होते हैं ना वो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में किसी का नौकरी होता है, हवा में किसी का रिटर्न निकल जाता है, नहीं, वो पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, यानी कि वो बुक भी फॉलो करते हैं, वो रूटीन भी फॉलो करते हैं, वो सिलेबस भी फॉलो करते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं, कम मेहनत में ही अच्छा रिजल्ट वो दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रूटीन से फॉलो करते हैं, एक रूटीन को पढ़ते हैं, मतलब अच्छा से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो वही आपको भी करना है, बताएंगे, हर चीज बता भी चुके हैं, आइए जानते हैं। तो जीके जीएस आपसे पूछा जाएगा, जीके जीएस क्या होता है? तो आपके सिलेबस में जीके जीएस हमेशा से रहा है, बिहार पुलिस का जब भी एग्जाम हुआ है बिहार के एग्जाम में जीके जीएस का महत्वपूर्ण हमेशा योगदान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह पूछा जाएगा, और जीएस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, ये तीनों से चारों से प्रश्न आएंगे, सब मिलाकर के आएगा। उससे करीब करीब 70 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, 70 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इससे, यानी कि 70% भाग तो आपका जीके जीएस ही कंप्लीट कर लेगा। टाइम 2 घंटा का मिलेगा आपको एग्जाम में, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, टोटल क्वेश्चन पर टिक लगा देना है, दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ऑफलाइन एग्जाम आप लोग का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होगा, यानी वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन रहेगा, उस पर टिक लगाना है। वन डे का एग्जाम है, एक ही एग्जाम होगा, दोबारा एग्जाम नहीं होगा। लेवल 10th रहेगा क्वेश्चन का, यानी 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हमेशा से मतलब इधर से कुछ दिन से लागू हो चुका है कि 10th लेवल का ही बिहार पुलिस में क्वेश्चन आने वाला है, तो 10th लेवल का ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मैथ में कितना क्वेश्चन, तो 8 से 10 क्वेश्चन मैथ से, अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, इस पर डिटेल वीडियो आएगा सिलेबस पर, चिंता मत करिए। हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएगा 15 क्वेश्चन मिला करके, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको पूरा करना है। सब मिला करके आपको 100 क्वेश्चन दिख रहा होगा लगभग, और यहां से आपको पढ़ना है। अब इसके लिए किस बुक को फॉलो करना, जैसे कि आपको हम बताए थे कि गाइड आप लोग के लिए निकाल दिया गया, आपको पता होगा, ये दो किताबें बताते हैं दोनों के बारे में, ये आप लोग के लिए गाइड निकाल दिया गया, एक शॉर्टकट। अगर तैयारी आप हल्का फल्का पढ़े हुए हैं तो आप इस गाइड को पढ़ करके भी आप अच्छा से नौकरी ले सकते हैं, यानी कि आप इसमें सब टॉपिक देखेंगे जो कि बिहार पुलिस में हमेशा से पूछा गया है, वो तो इस गाइड में आपको मिल जाएगा। आपको सब सब्जेक्ट जितना भी दिया गया वहां पे दिया गया है, जो भी नए छात्र हैं इसका प्रयोग कर भी रहे हैं, और आप लोग को भी करना चाहिए, गाइड को जरूर पढ़ना चाहिए, सब इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसमें समझ बन जाएगा क्या पढ़ना है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जो कि डीपली पढ़ना चाहते हैं कि और अच्छे से हम पढ़ें, कि हम बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर यानी कि जो क्रीम होता है वो पूरा पकड़ ले, ताकि मेरा और भी अच्छे सिलेक्शन हो जाए, और भी अच्छा मेरा तैयारी हो जाए, स्कोर बढ़ जाए, उसके लिए वो प्रीवियस ईयर बुक को फॉलो करते हैं जो बिहार का होता है। जो भी बिहार में क्वेश्चन आ रहा है तो बिहार में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो लगभग पैटर्न वही रखेगा, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपका आयोग देखिए सीएसबीसी से भी क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आज तक बिहार पुलिस में, बिहार सचिवालय सहायक में, बिहार दरोगा में कहीं भी जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है, और यहां पे उसका दिया भी गया कि कब पूछा गया, ऐसे बताते हैं आपको कि चिपको आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। तो यहां पे दिया गया क्वेश्चन कि सीएसबीसी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा द्वितीय पाली में 19/10/2014 को यह क्वेश्चन पूछा गया था, और बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 2014 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तब यहां पे क्वेश्चन दिया गया। पूरा प्रीवियस ईयर आपको इस बुक में मिल जाएगा, वो गाइड हुआ और यह प्रीवियस ईयर बुक हुआ, जो भी आपको जरूरत है, आपको जो भी लगता है खरीदने का जरूरत है वो आप परचेज कर सकते हैं। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आपको हर वो चीज बताएं जो आपके तैयारी को आगे बढ़ाएगा, बेस्ट करेगा, वो चीज आपको हम सजेस्ट करते हैं। तो ये दोनों किताब अच्छा है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है, और काफी हेल्प करता है बिहार के जो भी एग्जाम आप देते हैं, और सभी एग्जाम में काम करेगा, दरोगा में, सचिवालय में, बिहार पुलिस में, बिहार फायरमैन, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, इसका दोनों का लिंक हम क्या करेंगे ना डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां पे जाकर के आप चेक कर लीजिएगा, आपको जो भी बुक अच्छा लगता है या आप बनाना चाहते हैं उसको पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए ये दो बुक भी आपको सजेस्ट करती है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, और भी प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है इसके लिए, वो भी ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट भी पहले काम है, रिटर्न को निकालना ये आपको करना पड़ेगा, हम करवाएंगे और आपका निकलेगा भी, आप जरूर इस चीज को देखिएगा, बहुत बड़ी वैकेंसी, इसका फायदा जरूर आप लोग को उठाना है। जितने भी लोग हैं मोटिवेटेड रहिए, आपका नहीं होगा तो किसका होगा, आप इंतजार कर रहे थे इसका, आप पढ़ते हैं इसके लिए, आप इसका मतलब बहुत बड़ा है ना एक फैन होता है, बहुत बड़ा फैन है आप बिहार पुलिस का, हम जानते हैं कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आप हमेशा इंतजार करते हैं, इसके लिए आप कुछ भी दांव पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा। और हमसे जुड़े जितने भी छात्र रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, उनका रिजल्ट बहुत बार होता है, होता भी है, बहुत सारे लोग बिहार पुलिस में सिलेक्टेड भी हैं, तो आप लोग को भी इस बार हो जाना, इस बार अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा आप लोग को निकाला गया, ठीक है। फॉर्म भरे या नहीं भरे तो अपने आप में आप देखिए ना कि आप रिटर्न निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, फिजिकल आपसे होगा या नहीं होगा। अब आपका वेट 110 kg होगा, ठीक है, और आपको लग रहा होगा फिजिकल तो बहुत आसान है निकाल लेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं फॉर्म भर के। लेकिन अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे या पिछले बार किए थे, थोड़ा सा के लिए रिजेक्ट हो गए थे, कहीं पर नहीं मेरिट नहीं बना या रिटर्न में नहीं हुआ, फिजिकल में नहीं हुआ, तो आपको जरूर भरना चाहिए और करना चाहिए तैयारी। ये 600-500 रुपया से आपका जीवन निर्धारित नहीं किया जाएगा, आप जरूर अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत सारा पैसा कमा लीजिएगा, इसका सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है, शुरुआती सैलरी ही 30-32 हज़ार रुपया शुरू हो जाता है, और आगे चल के हर साल इंक्रीमेंट लगता है, और जितना भी अलाउंस वगैरह होता है ना, भत्ता वगैरह, जैसे कि महंगाई भत्ता हो गया, रहने का हो गया, खाने का हो गया, ये सब जोड़ करके आपका 35,000 लगभग हर महीना शुरुआती से हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है, आराम से इस जॉब को लीजिए और अच्छे से लाइफ को एंजॉय करिए, काफी अच्छा ड्यूटी भी होता है, बहुत सारे लोग हमारे सिलेक्टेड हैं जो कि बताते हैं कि बहुत मौज का नौकरी है, और अच्छा जगह आपको पोस्टिंग हो गया तो और भी मजा आता है नौकरी करने में। कॉन्स्टेबल का जॉब है दिमाग लगाना नहीं है, बस शरीर का काम होता है, ठीक है। दिमाग तो आपके ऊपर जो होंगे वो लगाएंगे, दरोगा लगाएंगे, थानेदार लगाएंगे, इंस्पेक्टर लगाएंगे, डीएसपी लगाएंगे, वो दिमाग लगाएंगे, आपको तो बस बताया जाएगा काम, आपको कर देना और बैठ जाना है, ये चीज आपको फायदा मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार का वैकेंसी डिटेल था जो कि आपको हम बताने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा।